हुई बूंदाबांदी के बीच आसमान में कड़कड़ाने वाली आकाशीय बिजली गहर बनकर टूट पड़ी। आकाशीय बिजली ने ईंट भट्टा पर ईंट पकाने वाले मजदूरों की जान ले ली। इस दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो मजदूर पूरी तरह से झुलस भी गए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैनपुरी के ग्राम संसारपुर के पास एक ईंट भट्टा संचालित है। इस ईंट भट्टा पर जनपद कौसाम्बी के ग्राम अमीना का पुरवा निवासी 28 वर्षीय नरेश पुत्र मातादीन ईंट पकाने का काम करता था। शनिवार की देर रात तेज हवा और बूंदाबांदी के बीच आसमान में कड़की आकाशीय बिजली ईंट भट्टे पर कहर बनकर टूट पड़ी। आकाशीय बिजली नरेश की जिंदगी निगल गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कौसाम्बी निवासी मजदूर लाल जी और विक्रम सिंह बुरी तरह से झुलस। घायल मजदूरों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सबका पोस्टमार्टम कराया है। क्या नाम है आपका? सोहन लाल। कहाँ रहते हैं आप? सादिकपुर सेमराहा करारी कौसाम्बी। तो आप यहाँ कैसे आए? भट्टे पर काम करने आए हैं। वो क्या नाम, महादेव विक्र फील्ड में पकाने का काम, ईंट पकाने का काम करते हैं जी। तो आपके साथी का क्या नाम है जिसकी मौत हुई है? नरेश। ये कै बजे की घटना है? 10:30 बजे लगा। कैसे मौत हुई है? आकाशीय बिजली से। तो ये उस समय कहाँ थे? ड्यूटी से कमरे पर, भट्टे के ऊपर कमरा बना उसी पर बैठे थे। जिनकी मौत हुई है उनका क्या नाम है? नरेश। और नरेश के अलावा? लाल जी घायल। लाल जी घायल हुए हैं जी। और इसका नाम है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह भी घायल हैं? विक्रम भी घायल।